दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजस पे। तो आज हम लोग CUETM इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और साथ साथ UP TGT एंड PGT के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो ये जो प्रश्न है वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी आपके समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है आपका इंडिविजुअल इनकम, दूसरा आपका है इंडिविजुअल आउटपुट, तीसरा है आपका इंडिविजुअल सेविंग एंड चौथा आपका ऑप्शन है जनरल प्राइस लेवल। तो याद रखिएगा कि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली जनरल प्राइस लेवल से डील करेगा। अब जो याद रखिएगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हम लोग जो है यहाँ पर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ते हैं, यानी हम किसी चीज़ को एग्रीगेट के रूप में पढ़ते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके स्पेशली UP TGT इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो हम जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है किसी भी चीज़ को एग्रीगेट के रूप में पढ़ते हैं, जैसे इकोनॉमी एज अ होल पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जो आपके किस में आ जाएंगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर हमारे बनेगा वो फोर्थ वाला यानी जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश स्टडीज़ द इकोनॉमी एज अ होल। अब यहाँ पर जो है कौन सा इकोनॉमी एज अ होल जो है स्टडी करता है, अभी मैंने बताया, तो याद रखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पर जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है इकोनॉमिक्स को एज अ होल स्टडी करता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा विच सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन चार दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट मैटर है। तो पहला ऑप्शन है आपका नेशनल इनकम, दूसरा आपका है बिजनेस साइकिल, तीसरा ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, चौथा ऑप्शन है जनरल प्राइस लेवल। तो यहाँ पर पूछा क्या है, नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सा यहाँ पर जो है सब्जेक्ट मैटर रही है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो याद रखिएगा कि नेशनल इनकम भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, बिजनेस साइकिल भी हम जो है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, पर याद रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज कॉइंड बाई, किसके द्वारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी आपका व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र है, इस ये वर्ड किसके द्वारा कॉइन किया गया है। तो पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पर याद रखिएगा कि रैगनर, दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर रैगनर ही है, तीसरा ऑप्शन है मार्शल एंड चौथा ऑप्शन है आपका JM केन्स। तो जो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कॉइंड किया गया है आपके रैगनर के द्वारा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि जो वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो है रैगनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी फर्म सप्लाई, तो आपका इकोनॉमी जो होती है फर्म क्या सप्लाई करती है आपके सर्कुलर फ्लो में, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पहला है आपका लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल जो है आपका, ठीक है, और चौथा आपका ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विसेज। तो याद रखिएगा कि लैंड, लेबर की एंड जो आपका कैपिटल है इसकी सप्लाई बेसिकली कौन करता है, आपका हाउस होल्ड करता है। अगर आपने जो है अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा होगा तो उसमें जो है अगर टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो उसमें दो आपके लोग होते हैं, एक आपका फर्म होता है, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन का काम करता है, और एक क्या होता है हाउस होल्ड होता है, ठीक है, हाउस होल्ड। तो यहाँ पर हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड जो है आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, और कैपिटल हो गया, इस चीज़ की जो है सप्लाई कौन करता है आपके हाउस होल्ड करता है, जबकि फर्म क्या करता है, फर्म्स जो है आपके प्रोडक्ट्स को बना के इन्हीं हाउस होल्ड को देता है, ठीक है, इन्हीं हाउस होल्ड को जो है आपको देता है, जबकि हाउस होल्ड क्या करती है, उनको लैंड प्रोवाइड करती है, लेबर प्रोवाइड करती है, कैपिटल प्रोवाइड करती है, किसको, फर्म को। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इकोनॉमी में मतलब कि आपका सर्कुलर फ्लो में फर्म क्या सप्लाई करता है, तो फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता है, तो ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। एंड अ ओपन इकोनॉमी इज़ वन विच देर इज़ अ
तो ओपन इकोनॉमी कहाँ होती है? तो आपकी जो ओपन इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि जहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा हो, ठीक है, तो एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वनली एक्सपोर्ट वनली इम्पोर्ट, दूसरा है नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट, एंड चौथा आपका एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों होने लगे, तो हमारा जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सेक्टर आपका इंक्लूडेड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टर्म ग्रीन GNP इन्फिसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप UPSC का भी पेपर दे रहे हों तो इसमें भी आपके ये पॉइंट देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज़ ग्रीन इकोनॉमी? जहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, पहला तो ऑप्शन देख लीजिए कि द टर्म ग्रीन इकोनॉमी किस पे इम्फोसाइज करती है। तो पहला ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा है लैंड रिफॉर्म, तीसरा है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, एंड चौथा है टैक्स रिफॉर्म। तो याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी आपका इस तरीके से हमें विकास करना है कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के चलना है, तो ये ग्रीन GNP के अंतर्गत हम लोग एम्फोसाइज करते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हमारा है द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड टू फर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा कि ये हमारा रियल फ्लो हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, यानी जो फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रहा है, ठीक है, एंड हाउस होल्ड से फर्म के पास, तो ये हमारा रियल फ्लो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट यानी नेशनल डिविडेंड में क्या हम लोग इसको हम लोग और किससे आपके कहेंगे? तो याद रखिएगा कि जो नेशनल प्रोडक्ट होता है इक्वल्स टू नेशनल डिविडेंड, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं नेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो यानी ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डैश फीचर्स रिप्रेजेंट ग्रीन GNP, यहाँ पर आपका ग्रीन GNP क्या बता रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ग्रीन GNP कॉस्ट को बताता है, ठीक है, ओके, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। इन इंडिया नेशनल इनकम इज़ कंप्यूटेड बाय, किसके द्वारा जो है आपका नेशनल इनकम को कंप्यूट किया जाता है, ठीक है, तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा यानी CSO के द्वारा जो है आपका राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को कंप्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है इंजेक्टेड मे बी इन द फॉर्म ऑफ, इंजेक्शन किसके फॉर्म में होता है? तो यहाँ पर जो है आपके एक्सपोर्ट के फॉर्म में हम इंजेक्शन का मतलब कि इंजेक्शन का मतलब समझ रहे हो कि इकोनॉमी में पैसे को इंजेक्ट कैसे कर रहे हो, तो जो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट से हमारे इकोनॉमी में आता क्या है, जो है बाहर की करेंसी आती है, तो ये हमारा इंजेक्शन कहलाता है, ठीक है। जबकि लीकेज क्या होता है, लीकेज में जैसे हम सेविंग कर रहे होंगे तो वो लीकेज हो रहा होगा, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे तो वो लीकेज है, ठीक है। तो आपको लीकेज और इंजेक्शन का कंसेप्ट याद रखना होगा कि क्या है ये लीकेज और इंजेक्शन। तो एक बार जो है कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग लीकेज और इंजेक्शन का। तो इंजेक्शन मतलब क्या होता है, आप जब अपने इकोनॉमी में पैसे को क्या कर रहे हो, इन्फ्यूज़ मतलब कि डाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर इंजेक्शन में आपका क्या हो जाता है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो आपका क्या होता है, इंजेक्शन होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो यानी आपके देश में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ये भी इंजेक्शन होता है, ठीक है। सरकार जो है खर्च करती है यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी आपके इंजेक्शन का ही पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर तीन तरीके का सर्कुलर फ्लो मॉडल में आप इंजेक्शन देखोगे, एक आपका इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। पर लीकेज क्या है, व्हाट इज़ लीकेज? अगर हम सर्कुलर फ्लो के अंतर्गत लीकेज का कंसेप्ट देखें तो लीकेज में हमारा क्या होता है, पैसा निकल रहा है सर्कुलर फ्लो से बाहर की ओर जा रहा है। तो कैसे सर्कुलर फ्लो इनकम से बाहर चला जाता है, यानी जब आप सेविंग करने लगते हो तो आप सर्कुलर फ्लो से पैसे को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये लीकेज हो रहा है। और क्या होता है, टैक्सेशन, ज़्यादा टैक्सेशन लग जाए, ठीक है, ये भी सर्कुलर फ्लो के अंतर्गत नहीं आ पाएगा, यानी लोगों का जो है डिमांड ऑफ द कमोडिटी कम हो जाएगा, जिससे कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म कम हो जाएगी, फिर उसके बाद सप्लाई कम हो जाएगी, तो टैक्सेशन भी जो है लीकेज का काम करती है। इसी तरीके से जो आपका इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है, इम्पोर्ट यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ये भी आपका जो होता है लीकेज का होता है। तो ये सब याद रखिएगा, पेपर में पूछता है, ठीक है। तो इंजेक्शन किसके फॉर्म में होता है, आपके एक्सपोर्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा है कि जो है लीकेज किसके फॉर्म में होता है, तो याद रखिएगा टैक्सेस के फॉर्म में। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए थे, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जानते ही हो कि आप एक्सपोर्ट जो है किसके में आता है, इंजेक्शन में आता है, इन्वेस्टमेंट भी आपके इंजेक्शन में आता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कम्स अंडर द इंजेक्शन, बट टैक्सेस कम्स अंडर द लीकेज, ओके, सेविंग लीकेज में आता है, ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स
लीकेज में आता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा द फेज दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द शॉर्ट पीरियड। सबसे जो है आपके जो फेज होता है आपके शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, सर्कुलर जो आप सॉरी जब आप देखोगे कि बोन आ रहा है, ठीक है, और जब आपका रिकवरी हो रहा है, तो उसमें सबसे शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है? तो याद रखिएगा कि सबसे शॉर्ट पीरियड जो होता है वो रिसेशन का होता है। पर आपको इसके लिए जो है आपको बिज़नेस साइकिल समझनी पड़ेगी कि बिज़नेस साइकिल में जो आपका डिफरेंट डिफरेंट फेज़ क्या है उसको हम यहीं पर समझ लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगा, क्योंकि हम ये क्वेश्चंस भी करते रहेंगे और साथ साथ जो है कि आपको जो है कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेगा। तो व्हाट इज़ बिज़नेस साइकिल? तो बिज़नेस साइकिल बेसिकली वो होता है जिसमें कि हम आपका देखेंगे किस तरीके से जो इकोनॉमी है वो एक्सपेंड कर रही है, वो पीक पे गई है, या फिर रिसेशन हो रहा है, या फिर डिप्रेशन हो रहा है, या फिर आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट आ गया है इकोनॉमी का, तो हम वो बिज़नेस साइकिल में देखते हैं। ठीक ठीक है। अब बिज़नेस साइकिल जो है बेसिकली आपका किसी भी जो आपके डेवलप्ड नेशन में वो 15 साल के लिए होता है, पर डेवलपिंग में इसका समय जो है ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रिसेशन का समय वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, हो सकता है डिप्रेशन ज़्यादा हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके फेजेस अलग अलग इकोनॉमी में देखने के लिए मिलते हैं। अब जरा साइकिल को समझते हैं। तो साइकिल आपका ये जो है आपका कॉन्स्टेंट जो है आपका साइकिल है, जिसपे कि आप देखोगे कि अगर इस पे के ऊपर इंसान अगर जाएगा इकोनॉमी, तो मतलब उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो एक्सपेंशन है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आने लगे तो यानी यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पर एक्सपेंशन, यहाँ पर आपका पीक हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रिसेशन। ठीक है, इसके बाद आता है रिसेशन, फिर आपका आता है डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन आता है, और फिर आता है आपका ट्रफ। ठीक है, फिर इसके बाद आप रिकवरी करने लगते हो। इस पॉइंट पे आपका क्या है, रिकवरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे कम जो आपका फेज़ है वो किसका होता है। तो याद रखिएगा कि सबसे जो कम समय लेता है वो आपके बिज़नेस साइकिल में, शॉर्टेस्ट पीरियड में जो होता है वो आपका क्या होता है, याद रखिएगा कि जो आपका रिसेशन है वो सबसे कम समय लेता है बिज़नेस साइकिल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, आपका सेकेंड वाला। ठीक है, रिसेशन। ओके, अब थोड़ा सा रिसेशन को समझ लेते हैं कि है क्या ये रिसेशन, रिसेशन में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो एक रिसेशन जो है आपका स्टेज आता है जब आपका आप पीक पे पहुंच जाता है, यानी आपके देश में खूब अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट है, खूब आपके यहाँ पर जो है आपूर्ति की जा रही है, सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत सही चल रही हैं, पर उसके बाद जब एक टाइम पर आप जो है और चीज़ों को मेनटेन नहीं कर पाते, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई को मेनटेन नहीं कर पा रहा, प्राइजेस को रोक नहीं पा रहा, तो वो सारी फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, ओके, तो यानी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट डिक्लाइनिंग। यहाँ पर आपके रिसेशन में क्या होता है कि जो हमारी डिमांड होती है, डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई फॉर गुड्स क्या होने लगती है आपकी, कम होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करने लगता है, डिक्लिनेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रैपिडली आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका डिमांड भी गिरने लग रहा है, सप्लाई भी गिरने लगती है। ठीक है, और जो है प्रोड्यूसर डू नॉट नोटिस द डिमांड इंस्टेंटली। ठीक है, और जो है प्रोड्यूसर अचानक से ये डिमांड का जो डिक्रीमेंट हो रहा है उसको नोटिस नहीं कर पाता है। ठीक है, और डिमांड इंस्टेंटली गो ऑन प्रोड्यूसिंग, अब वो तो भाई प्रोड्यूस करेगा, और जिसकी वजह से क्या होती है, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाता है, फिर आपकी प्राइस क्या हो जाती है, फॉल करने लगती है इस केस में, और फिर जो है आपका इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों में आपकी कमी आने लगता है। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद डिप्रेशन के फेज पे चले जाते हैं। डिप्रेशन में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इकोनॉमी में आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो तो रिसेशन है उससे भी वर्स वाली स्थिति कहाँ होती है, आपके डिप्रेशन में। तो रिसेशन आपका जो होता है शॉर्टेस्ट पीरियड का होता है, यहाँ पर आपका जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन डैश इन नेचर, तो ये कैसा आपका साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होता है, याद रखिएगा ये रिकरेंट होता है नेचर में। ओके, तो ऑप्शन ए करेंट है, करेक्ट है। ड्यूरिंग द प्रॉस्पेरिटी फेज द बैंक क्रेडिट नॉर्मली, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जब प्रॉस्पेरिटी आपके देश में रहती है तो लोग जो है आपको लोन काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरस है, ठीक है, आप पीक पे हो तो लोग आपको क्या करने लगेंगे, लोन देने लगेंगे, यानी आपकी क्रेडिट क्या हो जाएगी, एक्सपेंड करने लगेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो थर्ड वाला है। ट्रफ इज़ द
डैश पॉइंट ऑफ द ट्रेड साइकिल, यानी आपका याद रखिएगा कि लोएस्ट पॉइंट होता है ट्रेड साइकिल का, सपोज ये हमारा ट्रेड साइकिल है और इसका लोएस्ट पॉइंट क्या होता है आपका, ट्रफ होता है, ठीक है, ये आपका ट्रफ इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है आपके ट्रेड साइकिल, और पीक यहाँ पर होता है, ठीक है, पीक हम यानी सबसे ऊपर पहुँच चुके हैं अपने ट्रेड साइकिल में, ठीक है, ओके, तो लोएस्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, ट्रफ होता है। नेक्स्ट हमारा है डैश इज वेव लाइक मूवमेंट, किसका जो है आपके वेव लाइक मूवमेंट होता है, तो अभी हमने जस्ट देखा है ट्रेड साइकिल का वेव लाइक मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा व्हेन इकोनॉमी रीचेस पीक डैश एंड्स रिकवरी फेज रेफर्स टू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे आपका, तो याद रखिएगा कि प्रॉस्पेरिटी कहते हैं जब हम पीक पे पहुंच जाते हैं, ये आपकी ट्रेड साइकिल हम एक्सपेंड करते 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 जो है पीक पे पहुंच गए, यहाँ पर जो है हमारा पीक है, हमें पीक अचीव हुआ, यानी हम जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, हमारे देश में जो है वेज जो है अच्छा मिल रहा है लोगों को, ठीक है, और डिमांड एंड सप्लाई काफ़ी अच्छी चल रही है, मेंटेन्ड है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी में क्या होता है, एक सिचुएशन होता है जाके, मतलब ये आपका सेकेंड स्टेज है बिजनेस साइकिल का, पूछ सकता है कि एक्सपेंशन के बाद क्या आता है, एक्सपेंशन के बाद आपका पीक आता है, फिर आपका रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर ट्रफ आती है, फिर रिकवरी आती है। तो ये सेकेंड स्टेज है बिजनेस साइकिल का, जहाँ पर कि मैक्सिमम लिमिट ग्रोथ जो हम अटेंड कर चुके हैं, यानी जो हमारा मैक्सिमम ग्रोथ है, ठीक है, हमारा जो मैक्सिमम ग्रोथ है हमने क्या किया, अटेंड कर लिया इस फेज पे, ठीक है, आपके पीक पे, ओके, याद रखिएगा। अब इसके ऊपर हम फर्दर जो है ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, ओके, यहाँ इसके बाद हम फर्दर ग्रोथ नहीं कर सकते, और इसको जो है हम लोग बोलते हैं प्रॉस्पेरस फेज, जहाँ पर कि हमारी काफ़ी इकोनॉमी जो है प्रॉस्पेरस होती है, क्रेडिट अवेलेबल होता है, लोगों को जॉब ज़्यादा अवेलेबल होती है, अच्छे वेजेस मिलते हैं, सप्लाई एंड डिमांड मेंटेन रहती है, तो ये सारा चीज़ आपके प्रॉस्पेरिटी में होता है। नेक्स्ट हमारा है जो क्वेश्चन, डैश टर्निंग पॉइंट, आपका डैश इज़ नॉट फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, ठीक है, तो डैश टर्निंग पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा इस वाला पॉइंट का आपका, ओके, तो यहाँ पर क्या है, व्हेन इकोनॉमी रीचेस द पीक एंड रिकवर फेज रेफर्स टू डैश टर्निंग पॉइंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, लोअर टर्निंग पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लोअर टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा डैश इज़ नॉट अ फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, कौन सा इसमें जो है आपके फेज नहीं है ट्रेड साइकिल का, पहला आपका प्रॉस्पेरिटी है, दूसरा इन्फ्लेशन है, तीसरा रिसेशन है, और फिर डिप्रेशन है। तो याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन कोई भी आपके पार्ट नहीं है ट्रेड साइकिल का, जबकि प्रॉस्पेरिटी को हम पीक कहते हैं, रिसेशन भी हमारे ट्रेड साइकिल का पार्ट है, डिप्रेशन भी पार्ट है, पर इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, जब हमारे जनरल प्राइस लेवल में लगातार इंक्रीमेंट देखने के लिए मिले, तो वो हमारा जो होता है इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जो आपका जनरल प्राइस लेवल क्या होने लगता है, राइज करने लगता है, तो वो हमारा इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रपाउंडेड बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसके द्वारा जो है प्रपाउंड किया गया है, तो यहाँ पर एडम स्मिथ भी हैं, जे बी से भी हैं, और जे एस मिल, यानी आपके तीनों लोगों के द्वारा जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है प्रपाउंड किया गया है, यानी आपके एडम स्मिथ जिनका बुक नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जेबी से जिसमें जिन्होंने बोला था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है, और जे एस मिल ने जो है आपका जो है रेसिप्रोकल डिमांड का कंसेप्ट दिया था, तो इन तीनों व्यक्ति ने जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो जो है दिया है, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट डैश लॉ स्टार्टेड दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अभी जस्ट मैंने बोला था, तो ये जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का कंसेप्ट है दिया किसने है, तो याद रखिएगा कि ये आपके जेबी से के द्वारा दिया गया है, ठीक है, जेबी से ने क्या दिया है आपका, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड वाला कंसेप्ट दिया, यानी ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डैश इज इकोनॉमिस्ट हु एडवोकेट फ्लेक्सिबल वेज पॉलिसी टू सपोर्ट सेज लॉ, यानी सेज लॉ के सपोर्ट के लिए कौन सा जो इकोनॉमिस्ट है वो एडवोकेट करता है फ्लेक्सिबल वेज पॉलिसी का, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है पिगू हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट, यानी इकोनॉमिस्ट जो आपके हैं बेसिकली आपके पिगू हैं, वो सपोर्ट करते हैं सेज लॉ की, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और याद रखिएगा कि जो से हैं वो आपके सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट है, जबकि किन्स क्या थे, हमारे डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट थे, और वो बोलते थे कि फ्लेक्सिबल वेज पॉलिसी जो है होनी चाहिए, और इसका सपोर्ट किसने किया, आपके पीकू के द्वारा जो है सपोर्ट किया गया। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट वी हैव टू इंक्रीज एग्रीगेट
तो हमें जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एग्रीगेट डिमांड को जो है बढ़ाना पड़ेगा। ये कौन कहता है आपके, तो याद रखिएगा ये किन्स का जो है थॉट है, ठीक है। किन्स ने जो है कहा है कि अगर हमें देश में अगर रोजगार बढ़ाना है तो हमें जो है आपकी जो पूर्णतः आप जो आपका मांग है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी एग्रीगेट जो है डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर रीचिंग फुल एम्प्लॉयमेंट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिकम, तो आपका क्या कैसे हो जाता है आपका एग्रीगेट, एक फुल एम्प्लॉयमेंट जब हमारा अचीव हो जाता है तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर आपका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हमें दिखने के लिए मिलता है हमारा जो सब एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है, ओके। अगर अदरवाइज तो आपका सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व तो हमारा इस तरीके से स्टार्ट होता है ना, आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एंड डिमांड कर्व हमारी क्या होती है एडी आपका स्टार्ट होता है ओरिजिन के ऊपर से। क्यों होता है, क्योंकि हम ऑटोनॉमस डिमांड करते हैं, ठीक है। और अब एग्रीगेट सप्लाई हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये भी पेपर आपकी पीजीटी में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन आपका द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व किस तरीके से होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि याद रखिएगा कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई हमारा स्टार्ट होता है, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है, आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जबकि आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व ओरिजिन के जस्ट ऊपर से स्टार्ट होता है, ये किससे बनता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है एग्रीगेट डिमांड कर्व इज, तो आपका कैसा होता है एग्रीगेट डिमांड कर्व, यहाँ पर क्या दिया है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओके। तो जो है ये आपके बेसिकली अगर हम किन्स का थ्योरी देखें तो किन्स के थ्योरी में जो आपका डिमांड कर्व है वो कैसा है आपका, याद रखिएगा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, और एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से बना हुआ है, ठीक है। अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ी होंगी तो आप सभी को पता है कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा जो है कैसा है आपके आपके किन्स का, तो हमेशा ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम ऑटोनॉमस जो है कंजप्शन करते हैं, इस वजह से हमारा कभी भी एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम कंजप्शन, सपोज हमारे पास कुछ भी इनकम नहीं हो रही होगी फिर भी हम कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास सेविंग होगी या फिर हम किसी से उधार लेके कर रहे होंगे, तो ये जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है, ठीक है, यही यहाँ पर भूमिका निभाता है, ठीक है। ऑटोनॉमस जो कंजप्शन है यही भूमिका निभाता है आपके एग्रीगेट डिमांड को ज़ीरो से ना होकर स्टार्ट होने से, तो यहाँ पर इसी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर सपोज़ आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मार्केट एग्रीगेट मतलब मार्केट डिमांड की बात कर रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारी प्राइसेस ज़्यादा होती है तो हम कम डिमांड करते हैं, अगर हमारी प्राइसेस कम होती है तो हमारा जो डिमांड होता है वो कैसा होता है आपका, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है एग्रीगेट डिमांड अगर उस एस्पेक्ट में देखा जाए तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अगर आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख रहे हो तो पॉजिटिव स्लोपिंग होगा। द कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड आर, अब इफेक्टिव डिमांड आपका किससे मिलके बना है, तो याद रखिएगा कि सी प्लस जी। अब इफेक्टिव डिमांड है क्या, तो जहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट दिया किसने है, तो याद रखिएगा कि ये भी किन्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये आपके किन्स के द्वारा दिया गया है। जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है वहाँ पर हमारी इफेक्टिव डिमांड होती है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है आपका कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके। और आपका एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। जब आपका ये दोनों बराबर, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग, तो यहाँ पर कंजप्शन इज कैंसिल आउट और आई इक्वल्स टू एस, यानी आपका कंजप्शन प्लस जो है इन्वेस्टमेंट प्लस इक्वल्स टू आपका इन्वेस्टमेंट जो है किसके बराबर हो गया, सेविंग के बराबर हो गया, तो वहाँ पर हमारी इफेक्टिव डिमांड क्रिएट होगी। तो इस जो एस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर जो इफेक्टिव जो है डिमांड की बात कर रहा है, तो कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है उसको इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया उसको भी याद रखिएगा। द कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन, अब किसके किसके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग कंजप्शन फंक्शन में, इनकम के बीच में। अगर आपने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा होगा तो आपने चार जो है थ्योरीज को पढ़ी होंगी, एक आपका एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है, ठीक है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ओके, फर्स्ट थ्योरी जो कि किसके द्वारा दिया गया, किन्स के द्वारा दिया गया। दूसरा हमारा जो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस,
ठीक है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ये किसके द्वारा दिया गया है आपके, याद रखिएगा कि ड्यूसनबरी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, सॉरी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इज गिवन बाय होम, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है आपके मिल्टन फ्रिडमैन के द्वारा दिया गया है, जबकि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इज गिवन बाय, तो याद रखिएगा ये ड्यूसनबरी के द्वारा दिया गया है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। और जो आपका नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव, हमारा जो है ड्यूसनबरी के द्वारा दिया गया, जबकि लास्ट वाला लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस तो वो लोग तीन लोग दिए हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल वाला बहुत पूछता है पेपर में, ठीक है। तो ये वाला तीनों थ्योरी आप लोग प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इनकम एंड कंजप्शन से रिलेशन बताता है, ओके। नेक्स्ट हमारा द सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, तो आपका इनकम और सेविंग के बीच में। तो अगर आपने सेविंग फंक्शन पढ़ा होगा तो आपने दो तीन कंसेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी सेव, एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। है क्या ये, आपके इनकम के चेंज होने की वजह से आपके सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, हमारे जो है इनकम, जब हम सेविंग्स को इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बन जाता है। तो ये दोनों फार्मूला आप राइट इट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इनकम और सेविंग से रिलेशनशिप बताया जाता है। इफ़ एमपीसी फॉल्स एज इनकम राइजेस देन डैश विल इंक्रीजेस, तो आपका क्या हो जाएगा, जब आपका एमपीसी फॉल करता है तो इनकम हमारी क्या होती है, राइज करती है, ओके। व्हेन देन द डैश इंक्रीज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एमपीएस। अच्छा, आपको यहाँ पर एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो आपका एमपीएस होता है और एमपीसी होता है ये किसके बराबर होता है, इसका रिलेशन एक ये वन के बराबर होता है, ठीक है, पहली तो ये चीज़ हो गई। अब एमपीएस का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी आपके इनकम के चेंज होने की वजह से सेविंग कितना चेंज हुआ, इसी तरीके से आपका एमपीसी है यहाँ पर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, ये आपका होता है बराबर वन के, ठीक है, ये आपके वन के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमारा एमपीसी फॉल करेगा, अगर हमारी इनकम राइज करती है तो हमारा एमपीसी जो है फॉल करेगा, ठीक है, जैसे जैसे हमारी इनकम राइज करने लगेगी हमारा कंजप्शन धीरे धीरे क्या होने लगता है, गिरने लगता है, ठीक है। देन डैश इज इंक्रीजेस, तो क्या अगर आपका कंजप्शन गिर रहा है, अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है डिक्लाइन करा, तो कौन बढ़ जाएगा आपका, आपका कौन बढ़ जाता है, याद रखिएगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। इसी वजह से जो आपका आंसर करेक्ट हुआ है वो आपका थर्ड वाला हुआ है। नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन इज गिवन बाय किन्स। अब साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन में तीन कंसेप्ट आते हैं। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन में आता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है, पर याद रखिएगा कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है कंजप्शन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है जितना कि उसका इनकम बढ़ता है, ठीक है, यानी वो कहीं ना कहीं जो है सेव करता है। तो यही जो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, किन्स के द्वारा दिया गया है। व्हेन इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन सेविंग विल डैश विल बी डैश, तो आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा व्हेन इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन, यानी जब आपका इनकम कंजप्शन के बराबर है तो आपका जो सेविंग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। सपोज़ आपकी इनकम 50 रुपये है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है और आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो या फिर सेव करते हो। अगर सारा इनकम तुम कंज्यूम कर ले रहे हो तो सेविंग तुम्हारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी ना। सपोज़ तुम्हारे पास 50 रुपये थे, तुमने सारा जो है 50 रुपये जो है कंज्यूम कर लिया, तो तुम्हारा जो सेविंग है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ना यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर जो तुम्हारा कंजप्शन सेविंग है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है डैश इन्वेस्टमेंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन इनकम, यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज नहीं होता है एज आपकी इनकम चेंज होती है। तो याद रखिएगा वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि सरकार के द्वारा करी जाती है। ये इन्वेस्टमेंट क्यों करी जाती है, क्योंकि सरकार की इनकम हो या ना हो, सरकार के पास कुछ भी इनकम ना हो, पर फिर भी सरकार जो है इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे आपके रोड बनवाने के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए, आपके सैनिटेशन के लिए,
तो ये आपके इनकम पे आधारित नहीं होती। जबकि अगर हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट देखें, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हम कौन करता है, हम लोग करते हैं, ठीक है। ये अगर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट टाइप देखें तो ये हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? अपने फ़ायदे के लिए। सपोज़ ये हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी तो हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। पर सरकार ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तब भी करती है जब उसके पास कुछ भी इनकम नहीं होती, यानी ये इनकम से मतलब नहीं होता है इसको। यानी ऑप्शन जो फोर्थ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल कर्व स्लोप्स। तो आपका क्या होता है, हमेशा ये याद रखिएगा कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका डाउनवर्ड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारा है व्हेन एमईसी इज ग्रेटर देन द इफेक्ट विल बी। आपका कैसा इफेक्ट होगा, आपका मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जो है फेवरेबल होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन वन, तो आपका अच्छा है, मतलब आपकी इफिशियंसी जो कैपिटल की है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहीं पर मार्जिनल इफिशियंसी कम होती, आपके कैपिटल की कम होती, तो आपका वो अनफेवरेबल होता, ठीक है। अगर आपका लेस देन वन होती तो वो आपका वन आपका अनफेवरेबल हो जाता। तो यहाँ पर जो है फेवरेबल है, क्यों? क्योंकि हमारी एमईसी क्या है, इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी कंसेप्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल रेफर्स टू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, यानी हमें जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने वाला है उसको हम किससे जानते हैं, आपके मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल इज सिम्बलिकली एक्सप्रेस्ड, किससे जो है एक्सप्रेस किया जाता है, तो ओ अपॉन पी से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वॉज फर्स्ट डेवलप बाई, तो याद रखिएगा कि पहली बार जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो आर एफ खान के द्वारा जो है दिया गया था, यानी ऑप्शन फोर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन एमपीसी इज वन और एमपीएस इज जीरो द के विल बी, तो यहाँ पर आपका के क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लायर निकालने के लिए बोला, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, और क्या हो जाता है आपका वन अपॉन एमपीएस, ठीक है, ये होता है। तो अगर आपका आपका याद रखिएगा कि एम पी सी वन है, ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर दोनों कहने का मतलब एक ही है। देखो यार, आप अगर एम पी सी की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, एम पी सी की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन ज़ीरो, मीन्स यार यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर आप इस वाले पर पुट करो एम पी एस की वैल्यू, यानी के इक्वल्स टू वन अपॉन एम पी एस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वन अपॉन ज़ीरो, वन अपॉन ज़ीरो का मतलब इनफाइनाइट, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, याद रखिएगा कि इन्फिनिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एम पी एस इज़ वन बाई टू द मल्टीप्लायर कोफिशियंट इज़ इफ़ ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपका एम पी एस जो दिया है वन अपॉन टू दिया है, तो मल्टीप्लायर कोफिशियंट पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, नीचे वाला अलग है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऑप्शन यहाँ पर सामने दिए हुए, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि क्या है, के इक्वल्स टू वन अपॉन एम पी एस, तो किस तरीके से निकाल लोगे, के इक्वल्स टू वन अपॉन वन बाई टू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू अपॉन वन, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा टू वाला, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा टू। अब इसी तरीके से आपको एम पी सी दिया हुआ है, और तो आपका एम पी सी गिवन है द एम पी एस इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू वन, ठीक है। यहाँ पर एम पी सी दिया हुआ है, एम पी सी क्या है 0.5, तो प्लस आपका एम पी एस हो गया इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पर एम पी एस आप फाइंड कर सकते हो, एम पी एस इक्वल्स टू वन माइनस 0.5, तो आपका हो जाएगा 0.5 आंसर, ठीक है। तो यानी ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका करेक्ट है, ओके। अब जो है हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं, और आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा, जिससे कि आपके लिए लगातार ये वीडियोस बनते रहें, क्योंकि जैसे जैसे व्यू बढ़ता है वैसे वैसे हमें मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अभी भी आपको 100+ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे मेरे चैनल पर। जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।